सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्तार करती है कि व्यापक लोक हित में जाति आधारित जनगणना हो। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का जो पूछने का आशय जो है जाति आधारित जनगणना कराने के लिए, और मुझे लगता है कि हाउस में भी चर्चा हुआ था, बाहर भी, और सरकार चाहती है कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में और लिखित भी ये बातें सरकार की ओर से आई है, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो अपने उद्गार व्यक्त किया था उसमें भी अपनी सहमति जताई थी और कहा था कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर के माननीय देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे। और अभी माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री है, कि भाई एक प्रस्ताव लाएगी। सदन तो आज आहूत है, क्या सरकार से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रस्ताव के लिए सरकार निकट भविष्य में जल्दी ही विधानसभा आहूत करने वाली है, जहां प्रस्ताव लाएगी और कितने दिनों के अंदर? या नहीं करती है अध्यक्ष महोदय सरकार, तो फिर सरकार इसी प्रस्ताव को प्रस्ताव माने और यहाँ सर्वसम्मति से मोहर लगा, एक प्रस्ताव इसी में मोहर लगेगा कि जनगणना विधानसभा चाहती है। माननीय मंत्री जी, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात विधानसभा में रख रहे थे, उसी समय कहे थे कि नॉर्मिक टीम बनाकर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। तो आज जो प्रस्ताव आया और इसी प्रस्ताव का आधार बनाते हुए और सबका सदन का सबका सहमति हो, इसी को आधार बनाते हुए हम लोग ले जाएंगे। बहुत अच्छा, वापस लीजिए। मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से, जो देश की भावना है, पिछड़ों की भावना है, इस सरकार ने समझी है, हृदय से आभार करता हूँ। और हमें लगता है कि देश के तमाम पिछड़े इस सरकार को अपने प्रति आभार व्यक्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस श्री नारायण दास जी, माननीय सदस्य। अरे आप लोग का सुने नहीं, आप लोग क्या बोले प्रस्ताव पर? देखिए प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, नरेंद्र जी, भानु जी सूचना में है। महोदय, अविस्ताव वापस लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय प्रदीप यादव जी ने सरकार को इतना इतना धन्यवाद, बधाई, उद्गार व्यक्त किया, यह चटुकारिता की प्रकाष्ठा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है इतना ज्यादा चटुकारिता कोई सरकार का कर सकेगा। चलिए,